मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जखिया जो उत्तराखंड की रसोई का तड़का है उसको कैसे उगाया जाता है और कैसे उपयोग किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा शंख पुष्पी के बारे में, जिसको अपराजिता भी कहा जाता है। आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये शंख पुष्पी का पौधा है। इस पर ये छोटी छोटी ये फलियां लगी हुई हैं, ये परिपक्वता की तरह अपना पौधा आ रहा है। इसी के साथ ही ये कुछ फूल भी इसमें आप देख रहे होंगे, ये नीले रंग के इस पर फूल लगे हुए हैं और कुछ इसके फलियां जो हैं ये पक चुकी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बीज इसका तैयार है बिल्कुल। इस फली को अगर हम हल्के उससे वो करेंगे तो इसमें ये ब्राउन से और काले से कलर के बीज जो हैं ये तैयार हो रहे हैं। बीज इसके इस तरह से इनको आप निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इसके बीज हैं। इन बीजों के जरिए आप इस पौधे को उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं। बीजों के साथ साथ ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है। कटिंग से लगा के इसकी ग्रोथ जल्दी होती है, बीज से थोड़ा सा टाइम लगता है। फरवरी मार्च में अगर हम इसको लगाएं तो पूरी गर्मी आपको फूल देगा और जैसे जैसे सर्दी आती है नवंबर दिसंबर तक ये फूल देता रहेगा। दिसंबर के बाद में जैसे ही सर्दी आती है तो इसकी ये पत्तियां जो आप देख रहे हैं, जितनी भी हरी पत्तियां हैं, सारी हरी पत्तियां इसकी ये झड़ जाती हैं, ये बिल्कुल झाड़ी नुमा दिखेगा। लेकिन अगर आपको इससे फ्लावरिंग लेनी है नेक्स्ट सीजन में तो आप इसकी छटाई कर दें, इस पौधे को उखाड़ें ना। इससे पुनः कलियां फूटती हैं सीजन में और दोबारा फिर फूल आने लगेंगे। और नहीं तो आप इस तरह से बीजों को इसका बीजारोपण कर सकते हैं। इसमें भी आपको कई कलर मिलते हैं, ये नीले कलर का है, नीला कलर बहुतायत में मिलता है। इसके अलावा सफ़ेद रंग का शंख पुष्पी भी होता है, एक इसमें गुलाबी रंग का भी आता है, लेकिन सामान्यतः नीला रंग का फूल ही आपको ज़्यादा पाया जाता है। अब इसका जो महत्व है, इसका औषधीय महत्व होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, ख़ास तौर पर ये भगवान शिव को, दुर्गा जी को और शनिदेव जी को इसको जो है अर्पित किया जाता है इसके पौधे को। ये भी धार्मिक मान्यता है कि जो लोग लगाते हैं तो या तो उत्तर की दिशा में लगाते हैं, पूर्व की दिशा में लगाते हैं, या उत्तर पूर्व में ईशान कोण में जो है इसके पौधे को लगाया जाता है। औषधीय रूप में भी इसके बहुत से उपयोग होते हैं। ये मानसिक दुर्बलता को दूर करने के साथ साथ बुखार में भी ये लाभकारी होता है। इसकी चाय भी बनती है और चाय बनाना इसका बहुत आसान है। आप ये देख रहे हैं जैसे ये फूल लगा हुआ है, ये नीले रंग का फूल है। आप इसके दो तीन फूल, नीले रंग के फूल को तोड़ लीजिए, एक कप पानी में आप इसके फूल को डालिए और 5 मिनट करीब उबालिए। उसके बाद आप इच्छा अनुसार इसमें शहद मिला के सेवन कीजिए। ये बहुत ही लाजवाब है। इसके साथ ही मैं आपको एक दूसरा पौधा दिखाऊंगा जिस पौधे पर सफ़ेद फूल आए हुए हैं, वो भी हमारे पास में पौधा है। आइए मैं वो पौधा आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये सफ़ेद रंग का शंख पुष्पी है और इसमें ये फ्लावरिंग हो रही है। अब ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है जहाँ भी इस पौधे को आप लगाएंगे वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश यानी धूप होनी चाहिए, क्योंकि जितनी धूप इसको मिलेगी उतनी फ्लावरिंग ये अच्छा करेगा। अगर ये छाया में कहीं आपने लगाया है, छाया में इसकी पत्तियाँ तो आपको दिखेंगी, छाया में इसकी पत्तियाँ आपको दिखेंगी, वो हरी पत्तियाँ होंगी, अच्छी पत्तियाँ होंगी, लेकिन फ्लावरिंग ये कम करेगा। तो इसीलिए जहाँ तक संभव इसे धूप में लगाएं। और मैं इसको किस तरह से आप इसका बीजारोपण करेंगे मैं वो भी आपको अभी करके बताता हूँ। आप उसी तरह से इसके बीज लगा करके अपने घरों में, गमलों में अपराजिता को लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये अपराजिता की फलियाँ हैं। ये जब फलियाँ सूख करके पीली पड़ जाएं तभी आप इनको तोड़ें। अगर आप हरी फलियों को तोड़ेंगे तो उनमें बीज परिपक्व नहीं होगा और पुष्ट नहीं होगा, इसलिए उसका
अंकुरण में भी आपको दिक्कत हो सकती है और सही ढंग से अंकुरित नहीं होगा। आप ये पकी हुई फलियों को इनको तोड़ लीजिए, इनको इस तरह से इनके बीज को आप इकट्ठा कर लीजिए। ये बीज हैं इनके, ये पके हुए बीज हैं। और इनकी पौध तैयार करने के लिए आप इसको सीधे क्यारी में भी लगा सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं पौधे शिफ्ट करने हैं तो उसके लिए बेहतर तरीका है कि आप पेपर ग्लास ले लें और उस पेपर ग्लास में नीचे एक छेद कर लें। छेद करने के बाद उसमें थोड़ी सी खाद मिली हुई मिट्टी, या आपके पास खाद नहीं है तो आप बलुई मिट्टी के साथ सादी मिट्टी में इन पौधों को, ये पौधे तैयार करने के लिए इन बीजों को आप डाल दें। एक गिलास में आप 3-4 बीजों को डाल सकते हैं इसमें। ये आपने इसमें डाल दिया। इसमें बीज डालने के बाद में हल्का सा आपको पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी गीली है तो अभी पानी की आवश्यकता इसमें नहीं है। करीब 10 दिन के बाद इसमें बीजों का अंकुरण हो जाएगा और पौधे बड़े होने के बाद में आप इन्हें गमलों में या क्यारियों में शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कटिंग से अगर पौधा लगाना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपराजिता की जो बेल है उसमें से आप इस तरह से कट कर लेंगे पौधे को। इनको कट कर लीजिए आप। कट करने के बाद में आपने जो मिट्टी डाल के इसमें वो किया है उसमें इस तरह से आप इसकी कलम से जो पौधे तैयार करते हैं इस तरह से आप लगा देंगे। हल्का सा पानी डालेंगे और कुछ दिन इसको आप छाया में रखेंगे जिससे डायरेक्ट सनलाइट पड़ के ये मुरझाए ना। थोड़े दिनों के बाद ये जड़ पकड़ लेगा और इसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से पौधा बहुत ही सुंदर आपको फ्लावरिंग देगा।